हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो के ब्यूटी का आईलाइनर, और इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार इसको ट्राई करती हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ताकि मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ। ऑल ओवर मिला के मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या इतना वर्थ है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करती है, लेकिन प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ वो आप सब तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैटरीना कैफ ने अपनी एक ब्यूटी लाइन लॉन्च की है नायका पर, और उनके ब्रांड का नाम है के ब्यूटी। और मैंने के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, कुछ अच्छे नहीं भी थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिखे, तो इसलिए मैंने ट्राई करने के लिए एक आईलाइनर मंगाया जो कि है ग्रे कलर का। तो आज मैं इसी के बारे में आपको अपना रिव्यू दूंगी, और क्योंकि अच्छे रिव्यूज़ थे तो इसलिए मैंने एक आईलाइनर मंगा के पहले सोचा मैं ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके दूसरे प्रोडक्ट्स भी मंगाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो जो इसकी पैकेजिंग है वो इस तरह की आईलाइनर का बॉटल है, जो कि शेड है वो इस तरह से विजिबल है, आप यहाँ देख सकते हैं, और जो शेड का नाम है वो पीछे लिखा हुआ है, और इस तरह की स्क्रू बेस्ड गोल्डन कैप है। इसके कैप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन है। सो ऑल ओवर मिला के पैकेजिंग अच्छी है, ठीक है, कुछ भी फैंसी और एक्स्ट्रा नहीं है। और इसका जो प्राइस है वो है 499। अब बात करते हैं इसके शेड एंड टेक्सचर की। तो जो इसका शेड है वो यहाँ पे विजिबल है, और मैंने इसलिए ग्रे कलर मंगाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लू और ब्लैक कलर थे, तो मैंने सोचा मैं कोई नया कलर ट्राई करती हूँ, इसलिए मैंने ग्रे कलर मंगाया। और जो ये ग्रे कलर है इसका नाम है शेडो प्ले, और ये 3 ml का बॉटल है। और इसका जो टेक्स्चर है वो स्मूद है, आप इसे मैट बोल सकते हैं ना फुली पिगमेंटेड बोल सकते हैं, ये बीच बीच का है, बहुत ज़्यादा मैट नहीं है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। अब बात करते हैं स्टिंग पावर की। तो स्टिंग पावर से पहले मैं बात करना चाहूँगी स्मजिंग की ही, अगर आप इसको स्मज करते हैं तो ये नहीं जाएगा, जो कि ट्रू है। अब मैं देखिए मैंने लगाया हुआ है और मैं इसको स्मज कर रही हूँ, ये नहीं जाएगा। बट इसका जो स्टिंग पावर का ये 8 hours का क्लेम करते हैं वो भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे इसका स्टिंग पावर थोड़ा सा ट्रिकी लगा, जैसे कि अगर आप इसके ऊपर पानी गिराते हो तो ये फेड नहीं होगा, बट अगर आप पानी गिराने के बाद आप इसको एक बार भी स्मज करते हो तो ये बहुत ईजिली से रिमूव हो जाएगा, यानी आप अगर थोड़ा भी रब करोगे तो ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो वाटरप्रूफ तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, और नॉर्मल 1 से 2 घंटे के बाद भी अगर आप अपनी आई स्मच करते हो तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसके स्टेइंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैंने थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाया और उसके बाद ये कितनी आसानी से फेड हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको वाटरप्रूफ तो नहीं बोलूँगी, और इनफैक्ट आप पानी नहीं भी लगाते हो उसके बाद भी ये आराम से फेड हो जाएगा, कुछ 1-2 घंटे बाद भी ये आराम से फेड हो जाएगा। तो इसका स्टेइंग पावर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सो गाइस, अब बात करते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की। तो पहले प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका शेड मुझे अच्छा लगा, उसका जो टेक्स्चर है वो स्मूद है वो मुझे अच्छा लगा, इसका एप्लीकेटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आराम से अप्लाई हो जाता है। तो बिगनर्स के लिए जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है आईलाइनर लगाने में, उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि बहुत आसानी से आप विंग अप्लाई कर सकते हो। तो इसका एप्लीकेटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर पानी नहीं लगाया है तो स्मज नहीं होता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा इसका प्राइस कि ये 499 रुपीज़ का है, उस हिसाब से ये मुझे वर्थ नहीं लगा, ऑनेस्टली बोलूँ। इससे कम प्राइस में मुझे इससे इस तरह के या इससे और अच्छे मुझे आई लाइनर मार्केट में मुझे लगता है अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, मुझे इसका स्टिंग पावर नहीं अच्छा लगा, इसका स्टिंग पावर बहुत कम है। और तीसरी चीज़ जो मुझे इसमें नहीं अच्छी लगी कि अगर एक बार भी पानी लगता है और आप गलती से भी अपनी आईज को स्मच करती है, पूरा खत्म हो जाएगा। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो इसको प्राइस के हिसाब से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट इसके स्टेइंग पावर में होना चाहिए था, इसके टेक्सचर में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। सो गाइज, ऑल ओवर मिला के ये आई लाइनर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बट अगर आप बिगनर हैं और आपको आई लाइनर अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है और आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे बाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो इसमें सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस यही रहा कि बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है, क्योंकि आईलाइनर अप्लाई करना में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको अप्लाई करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि बहुत ईजिली इसके एप्लीकेटर से अप्लाई हो जाता है। इसका शेड आपको अच्छा लगता है तो आप इसे बिल्कुल बाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।